2 GB 3 GB और 4 GB रैम वाला मोबाइल लोगों को तो पता है कि यार लैग क्या होता है, हैंग क्या होता है, मोबाइल का हीटिंग प्रॉब्लम क्या होता है। दोस्तों जब मोबाइल पर लैग आता है ना तो यार सांसें थम जाती है, दिल में धड़कनें बढ़ जाती है, और जब एनिमी मार के चला जाता है ना तब ऐसा फील होता है कि यार मोबाइल को फेंक दूँ, मोबाइल को तोड़ दूँ, लेकिन एक ही मोबाइल है इसलिए तोड़ना भी नहीं जाता है। तो दोस्तों आपका मोबाइल भी अगर हैंग होता है, आपका मोबाइल भी अगर बहुत ज़्यादा हीट होता है तो आप क्या करो, इसके लिए मैं 6 ऐसा 150 टिप्स एंड ट्रिक्स और थोड़ा सा सेटिंग लेकर आया हूँ। अगर आप इन सारे सेटिंग को फॉलो करते हो, अगर इन सारे प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपको मोबाइल हीटिंग जो होता है वो बहुत ही कम होगा, हैंग बिल्कुल ही चला जाएगा, मक्खन की तरह खेलने लगोगे और दोस्तों अच्छा खेलोगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं जाने के लिए आपको वीडियो को देखना होगा। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहो, तो सबसे पहले बेसिक से कुछ बातें कर लेते कि आप मोबाइल को चार्ज में लगा के गेम मत खेला करो, इससे मोबाइल बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, प्रोसेसर में बहुत ही बैड इफेक्ट आता है, तो ये चीज़ मत करो। मैं भी पहले करता था लेकिन अभी नहीं करता हूँ, तो आपको भी ये चीज़ करना नहीं है। और अभी तो गर्मी का सीज़न आ रहा है तो सभी का मोबाइल थोड़ा बहुत हीट होने लगेगा, तो आपको क्या करना है, आपका जो बैक कवर है आपको बैक कवर को हटा के सिंपली गेम खेलना चाहिए। अगर आप बैक कवर को हटा के गेम खेलते हो तो हीटिंग जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा कम हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। मेरे भाई आपको इस बेसिक चीज़ को ज़रूर फॉलो करना होगा, आप जब गेम खेलोगे तो आपका जो मल्टी विंडो होता है उधर बस फीपर एप्लीकेशन ही ओपन रहना चाहिए, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर कोई भी एप्लीकेशन जो इंटरनेट यूज़ करता है ऐसा कोई भी एप्लीकेशन इधर ओपन नहीं रहना चाहिए। अगर आपका मोबाइल बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, गर्म होता है, बस फीपर इधर रहना चाहिए, ठीक है। आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना मेरे भाई। दोस्तों आपको आपका मोबाइल में जो डेवलपर ऑप्शन है इसको सिंपली ऑन कर लेना। इसको करने के लिए आपको अबाउट फोन के अंदर जाके MIUI वर्जन को जाके 4 से 5 बार टैप करना होगा, उसके बाद आपका मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। और आपको एडिशनल सेटिंग के अंदर जाके सबसे नीचे की तरफ आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। और दोस्तों कुछ कुछ मोबाइल में ये सेटिंग नहीं होते, कुछ अलग तरह से डेवलपर ऑप्शन को इनेबल किया जाता है, तो आप अपने हिसाब से डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर लेना। और इनेबल कर लेने के बाद आप डेवलपर ऑप्शन के अंदर आके 3 सेटिंग कर लो, 2 ऐसा सेटिंग है जो सभी के लिए है और 1 सेटिंग है जिन लोगों का मोबाइल काफ़ी ज़्यादा हैंग करते हैं उन लोगों के लिए, तो इन सेटिंग को आपको इनेबल कर लेना है। दोस्तों आपको नीचे की तरफ चले आना है, नंबर 1 सेटिंग आपको इधर ही मिलेगा, आपको लिखा होगा इनेबल GPU डबिंग लेयर, आपको सिंपली इसको ऑन कर देना है। अभी आप बोलोगे ये चीज़ है क्या, इसको क्यों ऑन करें। दोस्तों हम जब गेम खेलते तो हमारे CPU में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं, अगर आप इस चीज़ को ऑन कर दोगे और आप जब गेम खेलोगे तो आपका CPU में उतना ज़्यादा डिफेक्ट नहीं होगा, आप एक्सट्रीम लेवल में बहुत अच्छे से गेम खेल पाओगे, तो आपको सिंपली ये वाला सेटिंग को ऑन कर देना है। और चलते हैं नंबर 2 सेटिंग की तरफ। दोस्तों आपको सिंपली उसके नीचे मिलता है गेम ड्राइवर परफॉर्मेंस, आपको सिंपली इसके अंदर चले आना। इसके अंदर आने के बाद आपके मोबाइल में जितना सारा एप्लीकेशन है जो हाइड है उसको छोड़ के सारे ऐप इधर शो होगा, आपको सिंपली फीफा ढूंढ लेना है या फिर आप जो वाला गेम खेलने के टाइम आप हैंग फील करते हो उसके अंदर आने के बाद आपको सिंपली डिफॉल्ट से आपको गेम ड्राइवर कर देना है। अब जब इस चीज़ को आप कर दोगे तो आपका जो रैम है जब आप ए वाला गेम को खेलोगे तो ज़्यादा परफॉर्मेंस करते हैं और आपका गेम बहुत अच्छे स्मूथली चलने लगते हैं। मैं खुद करके खेलता हूँ, इसके लिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बात किया था, मैं और एक सेटिंग के बात करूँगा जिन लोगों का मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग करते हैं, तो वो वाला सेटिंग को हम जान लेते हैं। दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद आपको 3 इधर एनिमेशन मिलते हैं, तो आपको सिंपली इन 3 एनिमेशन को आपको बंद कर देना। अगर आपका मोबाइल बहुत ही ज़्यादा हैंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लैग मारते हैं, तो आपको सिंपली इन 3 को बंद कर देना और फर्क आपको खुद ही पता चल जाएगा। और एक सेटिंग की बात करूंगा जो काफ़ी अच्छा खुद किसी मोबाइल पे नहीं है, तो उन लोगों को भी क्या करना है मैं बताने वाला हूँ, तो आप इन चीज़ को ज़रूर फॉलो करना। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में गेम टार्बो या फिर गेम बूस्टर या फिर गेमिंग मोड सभी एक ही जैसे अगर आपके मोबाइल में है तो आप इसके अंदर जाके फ्री फायर या फिर जो वाला गेम को खेलने के टाइम आपके हैंग फील होते जाके ओपन करके गेम खेला करो, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी ऐसा फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि नोटिफिकेशन हाइट, व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह आप सब कुछ कर सकते हो। इसके साथ साथ ए वाला एप्लीकेशन आपको गेम को काफ़ी ओपी लेवल में खेलने के लिए मदद करती है, यानी आपका गेम काफ़ी ओपी चलता है, एकदम स्मूथ चलता है, बहुत ही इजी तरीके से चलता है, मक्खन की तरह चलता है, तो आप इसके अंदर जाके गेम खेला करो। हाँ मुझे पता है ऐसे बहुत सारे मोबाइल में जिन लोगों के मोबाइल में ये चीज़ नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी मेरे पास एक एप्लीकेशन है, तो मैं अभी वो वाला एप्लीकेशन के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ए वाला एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, इसका नाम है गेमिंग मोड और प्ले स्टोर पर भी ये अवेलेबल है। आप सिंपली ए वाला एप्लीकेशन को ऑन करके आप प्लस नीचे जो कोने में आपको जो प्लस वाला बटन दिख रहा है सिंपली प्लस वाला बटन से आप फ्री फायर को ऐड कर लो या फिर जो वाला गेम को आप ऐड करना चाहते हो तो आप सिंपली ऐड कर लो। और इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा सेटिंग मिल जाता है, काफ़ी अच्छा फीचर्स मिल जाते हैं जो एक गेमर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साइड में जो आपको सेटिंग मिलेगा उसके अंदर जाकर आपको सिंपली फ्री फायर का उसको ऑन कर देना है। इसके अंदर आप अगर आपको कोई कॉल करेगा तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा, व्हाट्सएप में कोई अगर वॉइस कॉल कर गया फिर वीडियो कॉल कर गया वो कॉल अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ नोटिफिकेशन को भी आप बंद कर सकते हो, यानी आपको अगर ऑनलाइन नोटिफिकेशन या फिर कोई कॉल करते हैं उसका नोटिफिकेशन या फिर मैसेज भेजते हैं या फिर फेसबुक वगैरह सारे नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो, ठीक है। और सिंपली ये एप्लीकेशन तभी काम करके जब आप इस
एप्लीकेशन के अंदर आके जो वीडियो का प्ले वाला बटन है उसके अंदर जाके आप जब गेम को ओपन करोगे तब भी एक काम करेगा। और दोस्तों काफी अच्छा एप्लीकेशन है क्योंकि हर एक गेमर चाहते कि जब वो गेम खेले कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करे, और जिन लोगों का मोबाइल हैंग करते लैग करते थे उन लोगों के लिए ये वाला एप्लीकेशन बहुत ही काम का है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए, अगर अच्छा लगा तो यार वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट करना, और दोस्तों प्लीज मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर से मुलाकात होगा नया वीडियो में नए किसी टॉपिक से, तब तक के लिए चलते, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।